हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं जोगेंद्र कुमार आपका स्वागत करता हूँ अपने इस चैनल में। जो हमारा टॉपिक है आज वो प्लाज्मोलिसिस के बारे में है। प्लाज्मोलिसिस जनरली है क्या है? बिकॉज प्लाज्मोलिसिस एक बिहेवियर बताता है, यानी बिहेवियर किसी सेल का, प्लांट की कोई सेल टिश्यू, उसके बारे में, उसके बिहेवियर के बारे में डिफाइन करता है। कैसे? जैसे हमने बोला कि प्लांट की एक सेल है, उसके आउटर साइड का जो मीडियम है वो कैसा है, हाइपोटोनिक है, हाइपरटोनिक है या आइसोटोनिक है, है ना। ये डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन को हम इसमें पढ़ेंगे, जिनमें से मैंने बोला कि ये प्लांट की कोई सेल हो सकती है, प्लांट का टिश्यू हो सकता है, और कोई अलग डिफरेंट टाइप के अदर ऑर्गन हो सकते हैं या फिर और कोई पार्ट्स हो सकता है। जिनमें से हमने बोला कि इसका एक्सटर्नल जो मीडियम है ये इस चीज़ को डिटरमाइन करेगा कि ये आइसोटोनिक है, हाइपोटोनिक है, यानी एक्सटर्नल मीडियम। तो हम इसको कैसे कह सकते हैं, द बिहेवियर ऑफ प्लांट सेल या टिश्यू विद रिगार्ड द वाटर मूवमेंट ऑन द बेसिस ऑफ एक्सटर्नल मीडियम ऑफ सेल। इस सेल का जो एक्सटर्नल मीडियम है इसके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे आइसोटोनिक की बात करते हैं, आइसोटोनिक ये फर्स्ट है। आइसोटोनिक को आपने कैसे समझाया? आइसो जनरली क्या होता है, सिमिलर, सेम। टोनिक मतलब कुछ ना कुछ मिनरल्स या न्यूट्रिएंट्स या फिर डिफरेंट टाइप के पार्ट्स, तो मिनरल न्यूट्रिएंट बोल दिया मैंने ना। अब ये क्या है, एक सेल है। इस सेल के आउटर साइड में जो टॉनिक पदार्थ हैं, जो न्यूट्रिशन है, उनका अमाउंट इस एक्सटर्नल मीडियम में और इस इंटरनल मीडियम के अंदर क्या है, सेम है। तो ना तो किसी चीज का बाहर आना होगा और ना ही किसी चीज का अंदर जाना होगा, ओके। यानी दोनों कंडीशन इसमें क्या है, सिमिलर है। तो इस कंडीशन में क्या बोलेंगे, द एक्सटर्नल सॉल्यूशन बैलेंस द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द साइटोप्लाज्म, इट इज कॉल्ड आइसोटोनिक। यानी जो इसके साइटोप्लाज्म है, अब दो सेंस में समझा देता हूं लोकल लैंग्वेज में। एक वर्ड यूज करते हैं भाई डाइल्यूट, दूसरा यूज करते हैं कंसंट्रेटेड। अब मैं हिंदी भाषा में तुमको थोड़ा समझा देता हूँ। हिंदी में होता है क्या है, डायल्यूट का मतलब जल्दी, जो डायल्यूट का जो मतलब होता है वो होता है तरल, है ना, लिक्विड फॉर्म में। और जो कंसंट्रेटेड होता है वो होता क्या है, गाढ़ा, जिसको क्या बोलेंगे, थोड़ा सेमी लिक्विड बोलते हैं, ठीक है। अब ये क्या है, कंसंट्रेटेड, थोड़ा गाढ़ा। अब एक चीज देखो समझने के लिए ना, मैंने बोला कि भाई इसमें दोनों कंडीशन सेम है, जो इसके साइटोप्लाज्म है और जो एक्सटर्नल मीडियम, दोनों का अमाउंट क्या है, दोनों का सिमिलर है। उस सेंस में हमने कह दिया कि ना तो आउटपुट होगा और ना ही इनपुट होगा, तो उस कंडीशन को क्या बोल दिया, आइसोटोनिक बोल दिया। सेकेंड कंडीशन में बोलता हूँ, दैट इज ए हाइपोटोनिक। मैं किसके मीडियम से डिफाइन कर रहा हूँ, बाहर के एक्सटर्नल मीडियम से डिफाइन कर रहा हूँ कि बाहर का मीडियम कैसा होना चाहिए, हाइपोटोनिक, यानी कम टोनिक होनी चाहिए बाहर की साइड। अब एक चीज सोचो, बाहर का मीडियम अगर हाइपोटोनिक है तो भाई क्या फर्क पड़ेगा, दिस इज अ हाइपोटोनिक। तो अंदर की साइड क्या है, हाइपरटोनिक कंडीशन हो गई, यानी ज्यादा मात्रा में टोनिक कहां प्रेजेंट है, अंदर की साइड प्रेजेंट है, ओके। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर सेल के अंदर, अगर अंदर की साइड अगर ये चीज प्रेजेंट है, तो इस बेसिस पे ये बोल रहा है कि बाहर का जो मीडियम है, टॉनिक, हिंदी में समझ लो टॉनिक क्या है, यहां पे कम है। और टॉनिक कम है, टॉनिक कम है तो उतना ही वो क्या होगा, डाइल्यूट होगा, उतना ही ज्यादा क्या होगा, डाइल्यूट होगा। इस सेंस में बोल रहे हैं कि एक्सटर्नल मीडियम इज अ मोर डाइल्यूटेड देन द इंटरनल मीडियम ऑफ द सेल, यानी साइटोप्लाज्म। दैट्स व्हाई मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम आउटर साइड टू इनसाइड। तो यहां पे जो मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल है, यानी बाहर की साइड क्या, कौन सा मीडियम आ गया भाई, तरल मीडियम। यानी बाहर की साइड कौन सा मीडियम है, डाइल्यूट मीडियम है। और उस डाइल्यूट मीडियम से अंदर कौन सा मीडियम है, तो मैंने बोल दिया अंदर तो गाढ़ा है और बाहर की साइड क्या है, तरल है। यानी मैंने बोला अंदर क्या है, कंसंट्रेटेड है, और बाहर की साइड क्या है, डाइल्यूट है। तो मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल कहां से होगा, तरल से गाढ़े की ओर होगा, यानी डाइल्यूट से कंसंट्रेटेड की ओर होगा।
और डाइल्यूट से अगर कंसेंट्रेट की ओर होगा तो ये क्या हो रहा है, बाहर से अंदर की ओर साइड की प्रोसेस को क्या बोलते हैं, एंडो ऑस्मोसिस। ओके समझे हैं, एंडो ऑस्मोसिस कहाँ बोल रहे हैं, एंडो मतलब इनसाइड, इनसाइड सेल, ऑस्मोसिस प्रोसेस आपने पढ़ा है। तो भारत का जो सोल्यूशन है वो क्या है, डायल्यूट है। अब तुम एक दूसरी डेफिनेशन भी कह सकते हो, कैसे कहा, मैंने कहा जो भार का है ये हाइपोटोनिक नहीं है, ये क्या है, इसको हाइपर कंसेंट्रेटेड वर्ड यूज करूंगा कि हाइपर कंसेंट्रेटेड यानी ज्यादा गाढ़ा कहाँ है, भार की साइड है। ओके सॉरी, इसको मैं बोलो हाइपो कंसेंट्रेटेड, हाइपोटोनिक बोल दिया तो इसको हम हाइपरटोनिक बोल सकते हैं, अलग सेंस में हाइपोटोनिक की अलग डेफिनेशन आ जाएगी। हाइपोटोनिक के लिए तीसरी सेंस पढ़ना पड़ेगा, हाइपर टोनिक यही समझ लेते इसको अलग से। हाइपोटोनिक में हमने क्या बोला कि जो एक्सटर्नल मीडियम है, ये इसका एक्सटर्नल मीडियम है और ये एक्सटर्नल मीडियम जो होगा इंटरनल मीडियम के कंपैरिजन में ये क्या है, हाइपरटोनिक है। यानी क्या हो गया भाई, ज्यादा गाढ़ा होगा, यहां पे टोनिक क्या है, ज्यादा है और ज्यादा टोनिक हो जाओ तो क्या हो जाएगा, गाढ़ा हो जाएगा। दैट्स व्हाई इट विल बी ए, ये क्या हो जाएगा, मोर कंसंट्रेटेड और ये क्या हो जाएगा, लेस कंसंट्रेटेड। दैट्स व्हाई मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल कहां से होगा, लेस कंसंट्रेशन यानी कम गाढ़े से ज्यादा गाढ़े की ओर होगा। ओके यानी हमने ये कह दिया दैट इज ए, और जो लेस कंसेंट्रेटेड है वही क्या होगा, डाइल्यूट होगा और जो मोर कंसेंट्रेटेड है वो कंसेंट्रेटेड ही होगा। तो मूवमेंट इसको तरल बोल रहे हैं भाई, लिक्विड से गाढ़े की ओर तो भागेगा गाढ़ापन, तो क्या है डाइल्यूट से किधर की ओर भागा, कंसेंट्रेटेड की ओर पड़ा। तो इसमें क्या हो रहा है, सबस्टांस कहाँ आ रहे हैं, बाहर आ रहे हैं, दैट इज ए एक्सो ऑस्मोसिस। ओके तो वन टर्म इज हियर, सेकेंड टर्म इज हियर एंड थर्ड टर्म इज हियर, देर इज आइसोटोनिक। ओके देर इज नो चेंज, यानी आइसोस्मोसिस एट द इक्विलिब्रियम कंडीशन देर विल बी नो चेंजेस इन द डिफरेंट टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड आयन एंड द कंसेंट्रेशन ऑफ सबस्टांस। ओके तो आपको ये चीज़ याद रखनी है। तो ये बकवास जो यहाँ पे लिखी है ना, ये बकवास को थोड़ा याद रखना, आपको समझाने के लिए इस प्लाज्मोलिसिस को लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओके गाइज, तो हाइपोटोनिक आपने कहाँ पढ़ा और ये क्या पढ़ा, तो ये प्लाज्मोलिसिस की प्रोसेस है। प्लाज्मोलिसिस में कौन कौन सी इवेंट होती है, किस बेसिस पे बताया, मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ, मैं एक्सटर्नल मीडियम के माध्यम से बता रहा हूँ, मैं बाहर का मीडियम देख रहा हूँ कि आइसोटोनिक यानी अंदर और बाहर का जो मीडियम वो क्या है, सिमिलर है। हाइपो बाहर का मीडियम हाइपोटोनिक है यानी उसके अंदर टोनिक क्या है, मिनरल्स न्यूट्रिशन क्या है, कम है तो वो ज़्यादा क्या होगा, डाइल्यूटेड होगा यानी तरल होगा, ज़्यादा लिक्विड फॉर्म में होगा। और जो लिक्विड में होगा तो हर चीज़ वही समझ लो, वाटर पोटेंशियल को याद रखो कि लो हायर वाटर पोटेंशियल टू लो वाटर पोटेंशियल, तो हाई टू लो इनसाइड यानी है ना, इसमें इनसाइड वाटर मॉलिक्यूल सेम हाइपरटोनिक कंडीशन। तो आपने ये चीज़ यहाँ पे पढ़ा, प्लाज्मोलिसिस और हाइपोटोनिक और ये दोनों प्रोसेस पढ़ी। अब एक चीज़ क्या होता है, मैं इसी को थोड़ा यहीं पे एक्सप्लेन कर दूँ। आप जनरली यहाँ पे देखो कि जो लिक्विड प्रोसेस लिखी हुई है इसमें एंडोस्मोसिस, तो इसमें सेल का जो साइज है वो साइज क्या कर जाएगा, इंक्रीज करेगा, सेल क्या हो जाएगी, टर्जिट हो जाएगी, फूल जाएगी। और फूलने क्यों हो जाएगी, क्योंकि भाई इसके अंदर जैसे ही अंदर ज़्यादा आएगा तो इसकी जो वॉल है वो एक प्रेशर अप्लाई करेगी जिसको बोलते हैं टर्जर प्रेशर। यहाँ पे सेल जो है वो क्या कर जाएगी, ये यहाँ पे टर्जिट हो गई पहला, दूसरा एक्सोसिस में क्या हो जाएगा कि सेल का जो साइज है वो क्या हो गया, डिक्रीज हो गया है ना। दूसरा ये क्या कर जाएगी, श्रिंक कर जाएगी, करेगी नहीं करेगी, तो यहाँ पे सेल क्या कर गई, श्रिंक कर गई, क्योंकि सारा का सारा पदार्थ बाहर आ गया और बाहर आने की वजह से क्या हो जाएगा, एक्सोसमिसिस। दैट्स व्हाई यू कैन से अबाउट दैट इज एक्सोसमिसिस। उसके अंदर हो क्या रहा है, सेल का साइज रिड्यूस हो रहा है, श्रिंक हो रहा है, और यहाँ पे सेल का साइज क्या बढ़ रहा है, एंडोसमिसिस की वजह से बढ़ रहा है। तो आपको इस चीज़ को याद रखना, याद रखने के लिए आपने दो चीज़ पढ़ी ली है, कौन सी कंडीशन कहाँ पे और क्या नहीं है। ठीक है गाइस, थैंक यू फॉर दैट। बट एक चीज़ मैंने अभी पहले भी वाली वीडियो में बताया था कि अगर किसी सेल के अंदर से अगर मूवमेंट ऑफ सबस्टांसिस होता है तो सबसे पहले जो एक्सोसमोसिस होगा। ओके यानी हमने एक लास्ट वीडियो में अपने में डिस्कस किया था, उस वीडियो में ये बताया था कि जो मूवमेंट ऑफ सेल होते हैं यानी जो लिक्विड पदार्थ होता है, ये हमारा उस वीडियो का वो था जिसमें मैंने ये बताया था कि आपको ये लिक्विड सबस्टांस यानी जो साइटोप्लाज्म है
ओके तो ये सबसे पहले ये साइटोप्लाज्म जो है, ये लिखा हुआ साइटोप्लाज्म, ये साइटोप्लाज्म सबसे पहले बाहर रिमूव होगा, यानी सबसे पहले ये खाली होगा अगर एक्सोस्मोसिस होता है तो। एक्सोस्मोसिस होगा तो सबसे पहले क्या निकलेगा, साइटोप्लाज्म के अंदर जो मिनरल न्यूट्रिशन जो भी होगा वो बाहर आएगा, उसके बाद टोनोप्लास्ट अपने सब्सटेंस बाहर रिलीज करेगा। ओके एनसीआईटी की लाइन है, याद रखना, सबसे पहले कौन अपने सब्सटेंस को बाहर रिमूव करता है, आफ्टर दैट हु विल बी रिमूव देयर न्यूट्रिशन एंड मिनरल्स आउटसाइड देयर सेल, तो दैट विल बी ए टोनोप्लास्ट, आफ्टर दैट साइटोप्लाज्म, यानी साइटोप्लाज्म फर्स्ट अपने न्यूट्रिएंट्स को बाहर निकालता है, उसके बाद कौन निकालता है वो आपको याद हो गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप कंटिन्यू फॉर वॉचिंग।